हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आद्या स्वागत करती हूँ किचन दुनिया में। आज जो मैं डिश लेकर आया हूँ वो है घिया या कद्दू के कलाकंद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कद्दू या घिया के कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कद्दू लिया है, ये 700 ग्राम्स के करीब है। तो सबसे पहले हम इसे काट लेंगे और इसे छील लेंगे। अब हमें इसे इसके छिलके को छील लेना है। पीलर या चाकू किसी की भी हेल्प से आप इसे छील सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे छील लेना है। इस तरीके से हमने इसे छील लिया है और अब हम इसे बीच से काट देंगे। और अब हमें ये जितने बीज है ना, ये सारे ये वाले पोर्शन अभी हमें इसे हटा देना है। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हम इस बीज को पूरा हटा देंगे। सारे जितने हमारे जो कद्दू है उसके सारे पीसेस को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, साफ कर देंगे। अब हमने कद्दू के सारे बीज को निकाल दिया है तो अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। ये कद्दूकस है ना, ये ले लेंगे और ये देखिए, ये फाइन वाला जो है मैं ये यूज करूंगी। फाइन वाला आप यूज करें और इस तरीके से इसे आप कद्दूकस कर लें। इस तरीके से पकड़ के हमें इसे कद्दूकस करना है। अब हमने यहाँ कद्दू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से इसे अब हम छान इसे जितना इसके पानी है वो निचोड़ लेंगे। इस तरीके से इसमें डाल देंगे। सारे कद्दू को मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हल्के हाथों से दबाएंगे। बस ये हमने इसका पानी निकाल लिया है। बहुत दबा दबा के हमें नहीं निकालना है, हल्के हाथों से जितना निकल जाए उतना हमें इसे स्ट्रेनर से निकाल देना है। तो ये मैंने निकाल लिया है। अब आप इसे चाहे तो सब्जी में भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक होता है। पैन को चढ़ा दिया है गैस पर। इसमें 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे। घी अब मेल्ट हो गया है तो इसमें अब हम ये कद्दूकस किया हुआ जो कद्दू है वो डालेंगे। और इसे अब हम अच्छे से भूनेंगे। हमें इसे 4-5 मिनट तक तो इसे अच्छे से लो टू मीडियम पर इसे भूनना हो। इसे हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। अब इसे पकाते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दूध डालूंगी।
ये जो दूध है ये तकरीबन एक कप के हिसाब है, तो मैं वो अब से डाल दूंगी। और साथ में ये आधा कप चीनी है। चीनी अपने हिसाब से आप बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर आपको मिल्क मेड डालना है तो अभी चीनी ना डालें। चलाने के बाद इसे अब हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और मिलाकर इसे ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। कद्दू को पकाते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटाते हैं। देखिए इसने दूध को पूरा सोख लिया है। अब इसमें अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, मैं इसमें कलर मिला रही हूं, अगर आप चाहें तो इसमें आप मिला सकते हैं। तो मैं यहां पर ग्रीन कलर मिला रही हूं। मैं 2-3 बूंद इसमें डाल रही हूं। इससे बस कलर अच्छा लग जाता है। जब हमारी ये कद्दू की जब कलाकंद बनेगी तो देखने में बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और कोई बात नहीं है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये मिल्क पाउडर है, इसे अब हम डालेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, इसे डालने से एक बहुत ही अच्छा इसमें टेक्सचर और फ्लेवर आता है, इसलिए इसमें डालूंगी। और इसे अच्छे से हम चलाएंगे। इसे डालकर हम कम से कम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब इसे पकाते हुए हमें लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को लो पर ही रखें। अब यहाँ पर मैं मिलाऊंगी ये डेसिकेटेड कोकोनट, ये 1/2 कप है। जो मिल्क मेड मिलाना चाहते हैं वो इससे पहले आप मिल्क मेड मिला सकते हैं। यहाँ पर मिल्क मेड, चीनी की जगह मिल्क मेड जो डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर इसे 4 से 5 मिनट पका लें अच्छे से। इस तरीके से हम कोकोनट इसमें अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसे कोकोनट के साथ अब हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और फिर ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है वो मैं इसमें डाल रही हूं। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट्स को पीस कर भी, पाउडर बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे भी। अब इसे चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए इसका अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक लंच बॉक्स लिया है, आप चाहे तो ट्रे भी ले सकते हैं। मैं आज आपको लंच बॉक्स में दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत के पास ट्रे नहीं होता, इसलिए तो ये जो होटल वगैरह में ट्रे मिलता है छोटे साइज का हमें आसानी से मिल जाता है, तो मैं आज ये लंच बॉक्स में दिखा रही हूँ। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। इसमें मैं
सारे कद्दू को डाल दूंगी जो मैंने तैयार किया है। ये काफी थोड़ा इसमें आराम से आ जाएगा और इसमें हमें कलाकंद की शेप भी मिल जाएगी बहुत अच्छे से। आप कलाकंद बोल ले, बर्फी बोल ले, जो भी बोल ले। ये अब हम इसे दबा दबा कर एक शेप में इसे लाना है। मैं थोड़ा हाथ से भी कर दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से। इस तरीके से अब हम इसने अच्छे से हमने गार्निश कर दिया है और अब इसे हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे इसे सेट होने के लिए। अगर आपको लगे कि 2 से 3 घंटे में भी सेट नहीं हुआ तो आप इसे और थोड़ी देर फ्रिज में रखें जब तक ये सेट ना हो जाए। अब मैं इसे फ्रिज में रखूंगी और फिर 2 से 3 घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर इसे निकाल लिया है कद्दू के कलाकंद को और अब हम इसे हटाकर देखते हैं। ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इस पर मैं थोड़ा सा ये भी लगा दे रही हूँ सिल्वर फॉइल। इसे अब काट के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से कट जा रहा है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं फिर मिलते हैं। हमने कद्दू के कलाकंद की प्लेटिंग कर दी है। ये बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसा स्वाद आएगा और देखने में भी जो हम इतने महंगे महंगे खरीदते हैं वहां आप आसानी से घर में इसे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।